Hey guys, welcome to my channel The Tonestyle Shree. So if you are new here, then please subscribe to my channel. It's free to subscribe and press that bell icon for new videos. So please support me. Thank you. Hey guys, welcome back to my channel The Tonestyle Shree. So कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे. सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक डिफरेंट मेकअप लुक. सो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपनी हाफ फेस पे किया है प्रिटी मेकअप जैसे हम रेगुलर करते हैं, एंड मैंने अपनी सेकेंड साइड अदर साइड पे मैंने किया है ये वाला मेकअप. ऐसा मेकअप जैसे किसी ने मुझे मारा है बुरी तरीके से. सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि मैंने ऐसा क्यों किया है एंड कैसे किया है, देन कीप ऑन वॉचिंग. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो मैं अपनी क्लीन फेस पे अप्लाई कर लूँगी पहले टोनर. सो उसे मैं अच्छे से डैप डैप कर लूँगी अपनी फेस पे. देन मैं अप्लाई करूँगी मॉइस्चराइज़र, और फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है पॉन्स लाइटवेट मॉइस्चराइज़र. इसे मैं हाफ फेस पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा हेवी अप्लाई करूँगी हेल्दी लुकिंग स्किन के लिए जहाँ मैं करने वाली हूँ प्रिटी मेकअप. सो अदर साइड पे मैं बस थोड़ा सा अप्लाई करूँगी नॉर्मल. सो या मैंने अप्लाई कर लिया है, एंड देन मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर. फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल. इसे मैं अपनी हाफ फेस पे थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करूँगी एज ए प्राइमर, क्योंकि मैं करने वाली हूँ यहाँ पे प्रिटी मेकअप. एंड देन अदर साइड पे बस थोड़ा सा मैं अप्लाई कर लूँगी. सो या आई एम डन विद माय प्राइमर. नाउ देन मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन, एंड फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है स्टिक क्वेरी का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक. सो इसे मैं आज ए कंसीलर अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर लूँगी, नेक पे भी अप्लाई करूँगी, हाफ नेक पे भी मैं इसे अप्लाई करूँगी. देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. सो या मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये मेसी मेसी पैची ना लगे. सो या मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है. सो जो मैंने कंसीलर लगाया हुआ था अपनी आईलिड पे उसे मैं सेट कर लूँगी विद स्टे क्वेरिक लूज पाउडर से, एंड बाकी फेस को मैं सेट कर लूँगी स्टे क्वेरिक कॉम्पैक्ट की हेल्प से. पहले मैं डैप डैप करके अपनी फेस पे अप्लाई कर लूँगी पाउडर, देन मैं सेम स्पंज की हेल्प से मैं इसको रिमूव कर लूँगी. ओके सो आई एम डन विथ माई पाउडर नाउ. सो अब मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप. फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट. तो इससे मैं ये वाला शेड लेकर अपनी ट्रांजिशन पर अप्लाई करूँगी एज ए ट्रांजिशन कलर. मैं इसे अप्लाई करूँगी एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड में इसे करूँगी. देन मैं अप्लाई करूँगी ये रेड वाला शेड अपने आउटर व्यू पे ज़्यादा फोकस करते हुए. मैं इसे क्रीज लाइन पे ब्लेंड करूँगी, एंड एज यू कैन सी. सो या देन मैं एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से ये वाला गोल्डन कलर लेकर अपनी हाफ लिड पे प्लेस करूँगी. इनर कॉर्नर से हाफ लिड तक प्लेस करूँगी मैं इसे. सो या आई एम डन विथ माई आई शेडो नाउ. सो देन मैं ये वाला ब्लैक कलर लेकर अपने आउटर व्यू पे प्लेस करूँगी. बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, बहुत ही लाइट में लूँगी. देन मैं इसे सेम फ्लपी ब्रश के हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी आउटर व्यू को. सो देन मैं एडीएस की आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रो को ड्रॉ कर लूँगी नेचुरल वे से. मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी, देन स्पूली की मदद से इसे मैं सेट कर लूँगी. देन मैं लास्ट में लिक्विड आईलाइनर से एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी. वीडियो बहुत फास्ट आ रही है, दस बार मुझे भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट बोलना पड़ रहा है. सो या सो फॉर मस्कारा मैंने यहाँ लिया है ब्लू हेवन का वर्क फ्री मस्कारा. सो यहाँ मैं कोई भी फॉल्स आईलेस अप्लाई नहीं करूँगी, और मैं इतना अप्लाई भी नहीं करती मुझे मुझे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है. देन यहाँ मैं अपनी वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी विथ मेवलिन कोलोसल काजल से. सो जो भी फॉल आउट्स हुए थे मैं उसे रिमूव कर लूँगी विथ ए पाउडर ब्रश. देन मैं सिवाना
ब्लश कॉन्टोर हाईलाइटर पैलेट से ये वाला शेड लेकर अपनी फेस को नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी। देन ये ब्लू हेवन की ब्लश से मैं अपनी फेस को एक पिंक के साथ ग्लो दूँगी अपने चिक्स को। देन मैं अपनी फेस को हाईलाइट कर लूँगी विद दिस गोल्डन शेड। सो या देन मैं अपनी पूरी मेकअप को सेट कर लूँगी विद एन वाई बे मेकअप फिक्सर। सो इसे मैं डैप डैप कर लूँगी। देन मैं अप्लाई करूँगी अपनी हाफ लिप्स पे एन वाई बे की लिक्विड लिपस्टिक। आपको सारी शेड वगैरह शेड सब कुछ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। वेट, नहीं है, मैंने हाफ फेस पे किया है, अभी तो हाफ फेस बाकी है। सो मैं क्या करूँगी, फेवी गम ओके, ये गम से मैं अपनी झूठी बनाऊंगी, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में मुझे नहीं पता, एक वोंड बनाऊंगी मैं। सो पहले मैं गम लिया, देन मैं उसे लूज पाउडर से मैंने उसे सेट किया है। देन मैं ये वाला ब्राउन शेड लेकर थोड़ा सा डार्क लूँगी, थोड़ा सा हेवी लेकर उसे मैं जस्ट डस्ट कर लूँगी। एंड एज यू कैन सी कैसा इफेक्ट आ रहा है। देन मैं इसे अब झूठी स्किन को मैं कट कर लूँगी। देन मैं अप्लाई करूँगी ब्लर, फॉर दैट मैंने यहाँ लिया है रेड लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक। सो इसे मैं वहीं पे अप्लाई कर लूँगी एंड उसके आसपास बस थोड़ा सा इफेक्ट के लिए, ब्रॉड इफेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा से डैप डैप कर लूँगी। देन रेड शेड लेकर मैं उसके ऊपर डैप डैप करके अपनी फोरहेड पे थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लूँगी। एंड गाइस मैं ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ, सो आई डोंट नो ये कैसा हो रहा है कैसा नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मैं रेड आई शेडो को लेकर अपनी अंडर आई पे उसे ब्लेंड करूँगी। होता है ना जब कोई मारता है तो आईज़ एकदम लाल हो जाता है फेस से। देन मैं ब्लैक आई शेडो लेकर अपनी आई लिड पर पूरी तरह अप्लाई कर लूँगी मैं इसी तरीके से। देन जहाँ मैंने अंडर आई पे रेड आई शेडो को मैंने ब्लेंड किया था वहीं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी। सो यहाँ मैंने माउथ से भी थोड़ा सा निकाला है आई शेडो, थोड़ा सा माउथ के नीचे मैंने आई शेडो लगाया हुआ है। देन मैं अपनी फेस पे चिक्स पे थोड़ा थोड़ा से मैं इसी तरीके से यहाँ वहाँ करके लगा लूँगी। देन मैं अगेन एक वोंड क्रिएट कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ छोटी स्किन बनाना भूल गई थी, दैट्स व्हाई मैं एक ब्रश के हेल्प से फेविक्विक वो गम लेकर मैं एक छोटी स्किन लेयर बना रही हूँ। एंड सेम तरीके से जहाँ मैंने ऊपर का वर्न बनाया था वैसे मैंने नीचे का वर्न बनाया है। सो यहाँ मैंने अपनी लिप्स से यानी कि माउथ से भी थोड़ा सा लिपस्टिक बाहर तक लेकर आई है, लेकर आई हूँ, मतलब ऐसा लगे कि माउथ से ब्लड निकल आ रहा है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। वेट, ये लुक ना आंसू के बिना तो अधूरा है। सो आई डोंट नो आंसू कैसे बनाते हैं फेक आंसू, बट जहाँ मैंने ग्लिसरीन लिया है एंड इससे मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लूँगी एज यू कैन सी ऐसे ही। सो या हियर इज द माई प्रिटी मेकअप लुक एंड हियर इज माई सैड फेस, जैसे मुझे किसी ने मारा है पूरी तरीके से। सो या दिस द फाइनल लुक गाइस। और मैं आपको बताऊँगी मैंने ऐसा क्यों किया है। सो मैं ये दिखाना चाहती थी कि हम गर्ल्स की टू साइड्स हैं। फर्स्ट जो हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है एंड सेकेंड हम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। हमें अंदर ही अंदर हमें डर लगता है, हमें घुटन सी होती है कि कहीं हमारे साथ कुछ हो ना जाए, चाहे वो घर पर ही हो चाहे वो बाहर हो, क्योंकि हमें पता है कि हम कहीं पर भी सेफ नहीं है। बाहर क्या हो रहा है ये आप सबको पता है। सो जो घर में होता है, जो फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ करते हैं, फैमिली मेम्बर यानी कि कौन, हमारे पेरेंट्स करते हैं। बहुत सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अगर घर में एक बच्ची पैदा हो जाती है देन उसे बस कुछ लिमिट तक पढ़ाओ लिखाओ देन उसकी शादी करवा दो, जैसी बड़ी हो जाएगी उसकी शादी करवा दो ऐसे लड़के से। चाहे वो लड़का कैसा भी हो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शादी के बाद हमें उस लड़की से कुछ लेना देना नहीं है। एंड
कुछ पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अगर हमने लड़की को ये करने दिया जो लड़की करना चाहती है, देन लोग क्या कहेंगे। इसकी वजह से ना वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी लड़की कुछ करना चाहती है, उसका कुछ एम होगा, बट कुछ नहीं। सब कुछ दब जाता है, वो लड़की अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि बाहर वालों की बात तो कुछ अलग है, क्या कहेंगे क्या नहीं। बट जब घर में सपोर्ट नहीं मिलता ना, घर में जब ऐसे सोचते हैं, देन लड़की अंदर ही टूट जाती है। तो मैंने एक जो हाफ फेस बनाया है, जैसे किसी ने मारा है, सो फैमिली मेम्बर्स भी मारते हैं लड़कियों को। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जिनमें लड़कियों को बुरी तरीके से मारा जाता है, इसलिए कि वो कुछ करना चाहती है, बट पेरेंट्स ये करने नहीं देते हैं, फिर भी वो ज़िद करती है कि नहीं मुझे करना है इसकी वजह से। एंड एक केस तो ऐसे था कि अपने ही घर वाले, अपने ही पेरेंट्स एक बच्ची को जला दिया। ओके, ये हरियाणा में हुआ था, क्योंकि वो करना चाहती थी जो वो चाहती थी, एंड उसमें कुछ बुराई नहीं था। सो एक बार पेरेंट्स जो है उन्हें समझना चाहिए कि उनकी बच्ची क्या चाहती है, क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। अगर कुछ बुराई है देन वो लोग उसे समझा सकते हैं, बट नहीं, उनका मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे, सेकंड प्रॉब्लम है कि हमारी इज्जत का क्या होगा, एंड थर्ड प्रॉब्लम है लड़की अगर कुछ कर गई देन हमारी सर पे नाचेगी। ये तो बहुत सारे लोग सोचते हैं। सो मैंने ये जो हाफ फेस प्रिटी वाला मेकअप किया ना, ये तो यही बोलता है ना कि नहीं, हम स्ट्रॉन्ग है, हम प्रिटी है, हम सब कुछ, हम किसी से डरते नहीं हैं। बट जो अदर साइड है ना, जैसे किसी ने मारा है, एंड यस, घर पर मारते हैं भी लड़कियों को, एंड लड़कों के लिए शायद कुछ रूल्स नहीं है जितने रूल्स हमारी लड़कियों के लिए है। क्या है, ये मत पहन, वो मत पहन, ये मत कर, वो मत कर, लोग क्या सोचेंगे। सो इसी डर के वजह से लड़की क्या करेगी, लास्ट में डॉल बनकर सबकी बात मान लेगी या खुद को मार डालेगी, यही तो होता है। सो गाइस, बस मैं यही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, एंड आई रियली होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियंस, एंड अगर वीडियो पसंद आया है देन इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना। सो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।